बिहार विधान परिषद में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक हफ्ते के अंदर विधान परिषद के दो कर्मचारी अरुण राम और विजेंद्र शर्मा की कोरोना से मौत हो गई। इसी बीच में मंगलवार को कई कर्मचारियों की कोरोना जांच भी हुई, जिसमें से 10 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है, जिसे देखते हुए कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 18 अप्रैल तक विधान परिषद को बंद करने का आदेश दिया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। अभी हम मौजूद हैं बिहार विधान परिषद में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बिहार विधान परिषद है जहां पे कोरोना का संक्रमण जो है वो काफी भयावह तरीके से हुआ है। जो विस्फोट हुआ है यहां पे कोरोना का, आपको बता दें कि 100 से ज्यादा यहां पे टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 17 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आनन फानन में 18 अप्रैल तक के लिए विधान परिषद को बंद कर दिया गया है। हालांकि एक दुखद खबर यह भी है कि 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में जो कोरोना है वो दिन पे दिन ज्यादा भयावह होते जा रहा है। अगर बात करें बीते 3 दिनों की, तो लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन जो कोरोना के केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में वो करीब 2,999 हैं और करीब 1,000 से ज्यादा राजधानी पटना में कोरोना के संक्रमण वाले लोग पाए गए हैं। हालांकि जो स्ट्रेन है ये वाला वो काफी ज्यादा भयावह है, लोग इससे बच नहीं पा रहे हैं। बीते दिन जो केसेस पाए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं लोग जो है ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि बात करें बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की बात कर रही है, लेकिन जो मास्क है, जो लोग हैं वो सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, मास्क पहनने में सबको दिक्कत आ रही है, जिस वजह से ये जो कोरोना है उसका संक्रमण काफी ज्यादा फैलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज पटना। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के अगमकुआ स्थित NMCH अस्पताल का दौरा किया और कोरोना मरीजों की हालात का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका भी दिया जा रहा है। आपके ध्यान में होगा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सचेत है, सतर्क है, और पिछले एक महीने से जब देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसी समय से राज्य के अंदर की जो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा है उसको बेहतर कर